प्रैक्टिकल स्टडी सीट को ओपन कीजिए। प्रैक्टिकल स्टडी सीट का क्वेश्चन नंबर वन में आ जाइए। प्रैक्टिकल स्टडी सीट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर वन को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या बता रहे हैं, मिस्टर ब्रिजेस इज सप्लायर ऑफ गुड्स पेस जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। मतलब आप जो जीएसटी का प्रोविजन जानते हो उस प्रोविजन का हिसाब से मिस्टर ब्रिजेस टैक्स पे करते रहते हैं, जीएसटी नाम का टैक्स पे करते रहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। मतलब ही हैज नॉट ऑप्टेड एनी टाइप ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और कंपोजिशन स्कीम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डेडिकेटेड क्लास अवेलेबल है। अभी दिमाग से कंपोजिशन स्कीम को हटा दो। कंपोजिशन स्कीम मिस्टर ब्रिजेस ने अवेल नहीं किया, मिस्टर ब्रिजेस रेगुलर स्कीम अवेल किया। मतलब आप जो प्रोविजन जानते हो उस प्रोविजन का हिसाब से मिस्टर ब्रिजेस टैक्स पे करते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। मिस्टर ब्रिजेस ने नीचे दिया हुआ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज किया है। मतलब मिस्टर ब्रिजेस हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। अच्छा, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जब किया जाता है दो टाइप का आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है। एक तो होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। तो जब इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया जाता है, मतलब आउटवर्ड इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई किया जाता है, ऐसे केस में जो गुड्स एंड और सर्विसेज सप्लाई किया गया, गुड्स एंड और सर्विसेज ऐसा केस में भी सप्लाई किया गया है, वो गुड्स एंड और सर्विसेज का पैसा तो कस्टमर से कलेक्ट किया जाएगा, साथ साथ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी ऐसा केस में भी वो टैक्स का पैसा भी कस्टमर से कलेक्ट किया जाएगा। मतलब वो ब्रिजेस के लिए क्या बन जाएगा, वो ब्रिजेस के लिए टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि ब्रिजेस ने कस्टमर से वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पैसा तो कलेक्ट किया ही, साथ साथ टैक्स का पैसा भी कलेक्ट किया है। वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, इसलिए वो टैक्स का पैसा ब्रिजेस के लिए टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है। और इंटर स्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अगर किया गया है गुड्स एंड और सर्विसेज ऐसा केस में भी जो भी सप्लाई किया गया, वो गुड्स एंड और सर्विसेज का पैसा तो कलेक्ट किया जाएगा, साथ साथ आईजीएसटी नाम का टैक्स का पैसा भी कलेक्ट किया जाएगा कस्टमर से। मतलब वो आईजीएसटी नाम का जो टैक्स का पैसा कलेक्ट किया है कस्टमर से ब्रिजेस ने, वो पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, इसलिए वो आईजीएसटी नाम का जो टैक्स का पैसा ब्रिजेस के पास है वो ब्रिजेस का टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो नीचे डेटा दिया गया है, लिखा है मिस्टर ब्रिजेस सप्लायर ऑफ गुड्स पेस जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ही हैज मेड फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज इंट्रा भी हो सकते हैं, इंटर भी हो सकते हैं। हम लोगों को नीचे स्टडी करना पड़ेगा कौन से टाइप का दिया हुआ है। इन अ टैक्स पीरियड, तो एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आउटवर्ड सप्लाई का इंफॉर्मेशन फर्निश किया गया है आपके लिए। आइए इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 800,000 वैल्यू का दिया गया और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 300,000 वैल्यू का दिया गया। तो आउटवर्ड सप्लाई जो मिस्टर ब्रिजेस हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा स्टेट टाइप का भी है, इंटर स्टेट टाइप का भी है। तो कस्टमर से कितना पैसा कलेक्ट किया गया, देखो ये जो 800,000 3,00,000 दिया है इसमें लिखा नहीं है कि 800,000 3,00,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस और नॉट। मतलब 800,000 और 3,00,000 का जो पैसा यहाँ पे शो किया जा रहा है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, वो यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो हम एज्यूम कर लेंगे अगर आगे जाके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो, बट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो इन्फॉर्मेशन का हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो एजम्पशन का हिसाब से करेंगे। आपका एजम्पशन अलग हो सकता है, मेरा एजम्पशन अलग हो सकता है। आप मान सकते हो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, हम मान सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। बात यहाँ तक क्लियर है। तो 800,000 3,00,000 यहाँ पे दिया गया वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट रेस्पेक्टिवली। क्लियर, इंट्रा स्टेट सप्लाई का वैल्यू दिया गया 800,000 और इंटर स्टेट सप्लाई का वैल्यू दिया गया 3,00,000। इंट्रा स्टेट 800,000, इंटर स्टेट 3,00,000। इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, चलो इंट्रा स्टेट के केस में कस्टमर से कौन सा टैक्स का पैसा कलेक्ट किया गया, सीजीएसटी प्लस, ठीक से लिखते हैं, इंट्रा स्टेट के केस में कस्टमर से कलेक्ट किया गया है गुड्स, यहाँ पे गुड्स लिखा है सर्विसेज नहीं, तो गुड्स का पैसा भी कलेक्ट किया गया, साथ साथ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी ऐसा केस में भी वो पैसा भी कलेक्ट किया गया और वो मिस्टर ब्रिजेस के लिए बन गया क्या, टैक्स लायबिलिटी। और इंटर स्टेट के केस में कस्टमर से गुड्स का पैसा कलेक्ट किया गया क्योंकि यहाँ पे गुड्स सप्लाई किया गया, साथ साथ टैक्स का पैसा, टैक्स कौन सा, आईजीएसटी नाम का टैक्स का पैसा भी कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट, ही हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेजमेंट। मतलब ये हो गया इनवर्ड सप्लाई, ऊपर में आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन दिया गया था, अभी इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है। इनवर्ड सप्लाई क्या दिया गया,
लिखा हुआ है ही हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेज मेड बाय हिम इन दैट टैक्स पीरियड. जो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन सबमिट किया गया था, वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन भी फर्निश किया गया. और इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन क्या फर्निश किया गया है? इंट्रा स्टेट परचेज जो किया गया है, मतलब इंट्रा स्टेट परचेज के केस में मिस्टर बिजेस हैज पेड टैक्स टू इट्स सप्लायर्स. क्योंकि सप्लायर के लिए मिस्टर बिजेस कौन है? कस्टमर है. तो सप्लायर ने मिस्टर बिजेस से टैक्स कलेक्ट किया, तो मिस्टर बिजेस ने इंट्रा स्टेट परचेज में, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स में गुड्स का पैसा सप्लायर को पे किया है, साथ साथ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का पैसा भी पे किया है. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिग यूटीजीएसटी का पैसा भी पे किया है. और वो उनके लिए क्या बन जाता है? आईटीसी बन जाता है मिस्टर बिजेस के लिए. क्लियर? और इंटर स्टेट परचेज के केस में मिस्टर बिजेस ने गुड्स का पैसा भी पे किया है, साथ साथ आईजीएसटी का पैसा भी पे किया है. और ये आईजीएसटी मिस्टर बिजेस के लिए आईटीसी बन जाता है. क्लियर? तो मिस्टर बिजेस अपना सप्लायर को गुड्स परचेज करने के टाइम में, चाहे इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स हो चाहे इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स हो, दोनों के केस में मिस्टर बिजेस ने टैक्स पे किया और वो टैक्स का पैसा मिस्टर बिजेस के लिए आईटीसी बन गया. नेक्स्ट, मिस्टर बिजेस हैज फॉलोइंग आईटीसी With him at the beginning of the tax period. तो जो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का बिगिनिंग का ITC दिया गया है. मतलब मिस्टर बिजेस के बुक्स में बिगिनिंग ऑफ दैट टैक्स पीरियड कितना ITC अवेलेबल था. लिखा हुआ गया है, लिखा गया है CGST का 57,000 ITC अवेलेबल था, SGST का कुछ भी ITC अवेलेबल नहीं था, IGST का 70,000 ITC अवेलेबल था. तो मिस्टर बिजेस के बुक्स में टैक्स पीरियड का बिगिनिंग में कितना आईटीसी अवेलेबल था सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के रेस्पेक्ट में, वो इन्फॉर्मेशन भी दिया गया. तो बेसिकली तीन टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके सामने है. नंबर वन इन्फॉर्मेशन आउटवर्ड सप्लाई का, सेकेंड इन्फॉर्मेशन इनवर्ड सप्लाई का, और थर्ड इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था, वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का बिगिनिंग में मिस्टर बिजेस के बुक्स में कितना आईटीसी अवेलेबल था एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, वो इन्फॉर्मेशन फर्निश किया गया. नीचे बताया गया नोट, नोट में क्या लिखा है? रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% रेस्पेक्टिवली दिया गया है. मतलब सीजीएसटी का रेट है 9%, एसजीएसटी का रेट है 9%, और आईजीएसटी का रेट अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हो. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के जो होता है वही होता है आईजीएसटी का रेट. मतलब 9% प्लस 9% हो जाता है कितना? 18%. तो 18% आईजीएसटी का रेट आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर टू लिखा गया, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. जो हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यू दिया गया है आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का, दैट वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस की एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. यहाँ लिखा गया है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, उसके अंदर टैक्स का एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है. नाउ ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड. मतलब जो परचेज इनवर्ड सप्लाई एंटर्ड किया गया था, मतलब मिस्टर बिजेस ने इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया था, इनवर्ड सप्लाई के केस में मिस्टर बिजेस ने जो टैक्स पे किया है वो टैक्स के रिस्पेक्ट में मिस्टर बिजेस को आईटीसी मिलना है. बट आईटीसी मिलने के लिए कुछ कंडीशन उनको फुलफिल करना पड़ता है, तो लिखा गया है वो सारा कंडीशन उन्होंने फुलफिल किया है. बात यहाँ तक क्लियर है? आपको बताया जा रहा है कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश बाय मिस्टर बिजेस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, मेक सुइटेबल अजम्पशन एज रिक्वायर्ड. तो चलिए, मिस्टर बिजेस को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट तक, मतलब उनका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स लाइबिलिटी को हम एडजस्ट करेंगे आईटीसी के साथ, उसके बाद देखेंगे कितना टैक्स लाइबिलिटी कैश के थ्रू डिपार्टमेंट को पे करना है. क्योंकि पूरा टैक्स लाइबिलिटी तो हम पे नहीं करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को हम एडजस्ट करेंगे आईटीसी के साथ, और जो टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट हो नहीं पाया आईटीसी के साथ वो टैक्स लाइबिलिटी को हम कैश के थ्रू पे करके लाइबिलिटी को खत्म करेंगे. आइए, नीचे लिखा गया कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर बिजेस ऑन आउटवर्ड सप्लाईज. मतलब जो आपसे मांगा जा रहा था वही यहाँ पे लिखा गया. नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऊपर में आप हेडिंग दे सकते हो आउटवर्ड सप्लाई, और यहाँ पे लिख सकते हो आउटवर्ड सप्लाई ब्रैकेट में. तो आउटवर्ड सप्लाई के केस में जब इंट्रा स्टेट, तो कस्टमर से गुड्स का पैसा भी कलेक्ट किया गया, साथ साथ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिग यूटीजीएसटी का पैसा कलेक्ट किया गया, वही लिखा हुआ है. सीजीएसटी का पैसा कितना कलेक्ट किया गया? 800,000. इंट्रा स्टेट सप्लाई था 800,000 के ऊपर 9%, मतलब 72,000 सीजीएसटी का पैसा. और एसजीएसटी ऑब्लिग यूटीजीएसटी का पैसा भी सेम 9% ऑन रुपीज 800,000, मतलब 72,000.
तो SGST का पैसा भी 72,000, मतलब टोटल मिला के इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर बिजनेस का बढ़ने 1,44,000, मतलब कस्टमर से 8,00,000 कलेक्ट किया गया है गुड्स के रेस्पेक्ट में और 1,44,000 कलेक्ट किया गया है CGST प्लस SGST के रेस्पेक्ट में। बस समझ में आ रहा है, मतलब कस्टमर से टोटल 9,44,000 कलेक्ट किया गया है इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में, आउटवर्ड सप्लाई के केस में। नेक्स्ट नंबर टू, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी आउटवर्ड सप्लाई और 3,00,000 का आउटवर्ड सप्लाई था, तो कस्टमर से 3,00,000 गुड्स का पैसा कलेक्ट किया गया, साथ साथ IGST नाम का टैक्स का पैसा भी कलेक्ट किया गया। और IGST का रेट कितना है, CGST प्लस SGST मिला के जितना होता है, मतलब 9 + 9 = 18%। तो देखिए लिखा हुआ है IGST एट द रेट ऑफ 18% ऑन ₹3,00,000, मतलब 54,000। तो कस्टमर से 3,00,000 गुड्स के नाम पे कलेक्ट किया गया, 54,000 IGST के नाम पे कलेक्ट किया गया, मतलब कस्टमर से कलेक्ट किया गया 3,54,000। उसमें से 3,00,000 मिस्टर बिजनेस का अपना है, वो खुद रख देगा और 54,000 गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, बट पूरा 54,000 वो पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को क्योंकि ITC को एडजस्ट करेगा। तो उनका अपेरेंटली टैक्स लाइबिलिटी बन रहे 1,44,000 + 54, मतलब 1,98,000, मतलब मिस्टर बिजनेस का टैक्स लाइबिलिटी बनना है गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाना है 1,98,000 आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में, बट पूरा 1,98,000 हम गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, हम ITC को एडजस्ट करेंगे ये टैक्स लाइबिलिटी के साथ। क्लियर, आउटवर्ड सप्लाई में जो टैक्स लाइबिलिटी जनरेट किया है, मतलब कस्टमर से 1,98,000 कलेक्ट किया गया, बट पूरा 1,98,000 गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाना है क्योंकि मिस्टर बिजनेस भी अपना सप्लायर से जब गुड्स खरीदा था तो कुछ ना कुछ GST पे किया है, वो GST का ITC मिस्टर बिजनेस को मिला है, तो ITC को एडजस्ट किया जाएगा टैक्स लाइबिलिटी के साथ और रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी को पे किया जाएगा कैश के थ्रू। नीचे आइए क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ITC मतलब इनवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में। तो लिखा है ओपनिंग ITC, पहले ओपनिंग ITC जितना था वो लिख देंगे, अलग अलग तीन टैक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब CGST, SGST और ITGST के IGST के रेस्पेक्ट में। तो देखो CGST का 57,000 था, SGST का नील था, मतलब ओपनिंग ITC, और IGST का था 70,000 और रेट को भी मैंने यह लिख दिया। नेक्स्ट, परचेज किया गया है, इंट्रा स्टेट भी किया गया है, इंट्रा स्टेट भी किया गया है। तो जब इंट्रा स्टेट परचेज किया गया है तो सप्लायर को गुड्स का पैसा भी पे किया गया है, साथ साथ इंट्रा स्टेट के केस में CGST प्लस SGST का पैसा भी पे किया गया है। और इंट्रा स्टेट का वैल्यू कितना था, तो 2,00,000, तो 2,00,000 के ऊपर CGST प्लस SGST, मतलब CGST 9%, SGST 9%। तो देखिए 2,00,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट करने में 18,000। तो 2,00,000 सप्लायर को पे किया गया है गुड्स के लिए और साथ साथ 36,000, मतलब 18 + 18 पे किया गया है टैक्स के रेस्पेक्ट में। वो 18 + 18 मतलब 36,000 के रेस्पेक्ट में मिस्टर बिजनेस को ITC मिलेगा, वही ITC हमने लिख दिया कि CGST का ITC 18,000, SGST का ITC 18,000 और IGST का कुछ भी नहीं है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट परचेस था। और इंटर स्टेट परचेस के केस में इंटर स्टेट परचेस कितना वैल्यू का था, 50,000। तो सप्लायर को 50,000 पे किया गया, साथ साथ 18% IGST भी पे किया है, तो 50,000 के ऊपर 18% IGST। बस समझ में आ रहा है, देखिए लिखा है ITC ऑन इंटर स्टेट परचेस, तो सप्लायर को 50,000 गुड्स का पैसा पे किया गया, साथ साथ 50,000 के ऊपर 18% मतलब 9,000 IGST का पैसा भी पे किया गया, जिसके रेस्पेक्ट में बिजनेस को क्या मिल जाएगा, ITC मिल जाएगा। तो IGST के रेस्पेक्ट में 9,000 ITC मिलना है मिस्टर बिजनेस को, बात क्लियर है। अभी देखते हैं टोटल ITC कितना बन रहा है ड्यूरिंग दैट टैक्स पीरियड। ओपनिंग था CGST का ITC ओपनिंग था 57,000, ड्यूरिंग द पीरियड मिला 18,000, तो दोनों मिला के हो रहा है 75,000 एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। और SGST के रेस्पेक्ट में हो रहा है 18,000, ओपनिंग कुछ था नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड 18,000 ITC मिला। और IGST के रेस्पेक्ट में ओपनिंग में था 70,000 ITC अवेलेबल और ड्यूरिंग द पीरियड 9,000 मिला, मतलब टोटल मिला के 79,000 ITC एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड अवेलेबल होता है मिस्टर बिजनेस के बुक्स में IGST के रेस्पेक्ट में। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड। चलो अभी एडजस्ट करते हैं, चलो एडजस्ट कैसे करें, नाउ एडजस्ट कैसे करें, GST पेबल को पहले लिखते हैं। GST पेबल कितना है, CGST के रेस्पेक्ट में 72,000, SGST के रेस्पेक्ट में 72,000 पेबल है। ऊपर में अमाउंट को देखिए, CGST के रेस्पेक्ट में 72,000 पेबल था, SGST के रेस्पेक्ट में 72,000 पेबल था और IGST के रेस्पेक्ट में 54,000 पेबल था। तो ये आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मतलब यही है टैक्स लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर ये टैक्स लाइबिलिटी जनरेट किया था, बट ये पूरा तो हम पे नहीं करेंगे, हम ITC के साथ एडजस्ट करेंगे। एंड फॉर दिस पर्पस वी शुड नो हाउ टू यूटिलाइज ITC विथ टैक्स लाइबिलिटी, मतलब वी शुड नो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी विथ ITC, नहीं तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ITC को टैक्स लाइबिलिटी के साथ। और मैनर हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में लर्न किया है, चलो प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन याद हो जाएगा और हम लोग
उसी तरीका से यूटिलाइज करेंगे ITC को टैक्स लायबिलिटी के साथ। अभी करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC में सबसे पहले लेते हैं कौन सा ITC का यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हो। ITC ऑफ व्हाट? ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ CGST, ITC ऑफ SGST, ITC ऑफ UTGST। अब सब लोगों को पता है कि आपने जो इनवर्ड सप्लाई में इनपुट टैक्स पे किया, उन इनपुट टैक्स के रेस्पेक्ट में आपको क्रेडिट मिलता है, उनको बोलते हैं ITC। तो आपने कौन सा टैक्स पे किया, CGST पे किया तो CGST का ITC मिलेगा, IGST पे किया तो IGST का ITC मिलेगा, अगर SGST UTGST पे किया तो SGST UTGST का ITC आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ITC ऑफ व्हाट, अगर IGST को तो IGST लिखेंगे, CGST होगा तो CGST, SGST UTGST होगा तो SGST UTGST। बट इनको एडजस्ट किसके साथ करोगे? आउटपुट लायबिलिटी के साथ। कौन सा आउटपुट लायबिलिटी? आउटपुट लायबिलिटी भी CGST का जेनरेट कर सकते, SGST का जेनरेट कर सकते, UTGST का, CGST, SGST, UTGST एंड IGST का जेनरेट कर सकते। अब जब सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई में आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स गवर्नमेंट तक जमा करना है बट पूरा जमा नहीं करते, ITC के साथ एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट को जमा करते हो। तो ये जब आप कस्टमर से कलेक्ट किया पैसा, आप सप्लायर हो, आप रिसिपिएंट से पैसा कलेक्ट किया, ये पैसा आपके लिए हो जाता है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST इनके साथ एडजस्ट होगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ CGST ना तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ SGST UTGST। तो यहां हम देख रहे हैं ITC ऑफ IGST। सबसे पहले IGST जो ITC का पड़ा हुआ है उनको किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे सबसे पहले IGST का ITC को हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ IGST के साथ। तो ये होगा नंबर वन। नंबर टू में चाहे आप CGST के साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो CGST के साथ एडजस्ट करो, SGST UTGST के साथ पहले एडजस्ट करना चाहते हो तो पहले SGST UTGST के साथ एडजस्ट करो, नेक्स्ट CGST के साथ एडजस्ट करो, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन है। तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इनको लिखेंगे एनी मैनर। यहां एक नोट देंगे, नोट क्या है, ITC ऑफ IGST मस्ट बी कॉम्प्लीटली एंड मैंडेटरीली एग्जॉस्टेड। तो IGST का ITC कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए तभी हम नेक्स्ट स्टेज में आएंगे CGST का ITC को एडजस्ट करने के लिए। अगर IGST का ITC अभी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है तो आप CGST का ITC और SGST का ITC को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट आ रहे हैं ITC ऑफ ITC of CGST। तो सबसे पहले CGST का जो ITC है वो किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे CGST लायबिलिटी के साथ। तो ये CGST लायबिलिटी यहाँ है, इनको हम बनाएंगे नंबर थ्री।
उनके बाद आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? आप बोलोगे सर IGST के साथ एडजस्ट करेंगे, ये होगा नंबर फोर। इनके साथ यू कैनॉट एडजस्ट, CGST, SGST, UTGST के साथ एडजस्ट नहीं होता है, इनमें हमने क्रॉस कर दिया, ये नॉट परमिटेड है। तो ITC अब CGST होगी। यहाँ पे भी एक नोट आना चाहिए, वो नोट हम बाद में लिखेंगे नीचे। नेक्स्ट ले रहे ITC ऑफ SGST, ITC ऑफ SGST में आप सबसे पहले किसके साथ SGST का ITC को एडजस्ट करोगे? SGST लाइबिलिटी के साथ। SGST लाइबिलिटी में हम यहाँ लिख रहे हैं 5, उसके बाद आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? ये तो परमिटेड नहीं है। SGST को आप, SGST UTGST को आप CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और CGST को आप SGST UTGST के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये परमिटेड नहीं है। तो ये अगर 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर होना चाहिए। बट यहाँ पे एक नोट देना पड़ेगा आपको, ITC ऑफ CGST आपने IGST लाइबिलिटी को SGST के साथ एडजस्ट कर रहे हो, बट IGST का आउटपुट लाइबिलिटी सबसे पहले IGST के साथ एडजस्ट होना चाहिए। फिर भी अगर IGST का आउटपुट लाइबिलिटी बचता है तो CGST के साथ होना चाहिए, फिर भी बचता है तो SGST के साथ होना चाहिए। तो पहले IGST का जो ITC पड़ा हुआ है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, फिर भी अगर लाइबिलिटी पड़ा हुआ है उन लाइबिलिटी का आप CGST के साथ एडजस्ट करोगे। अगर CGST कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है देन आप रिमेनिंग लाइबिलिटी को पे करने के लिए SGST का ITC को यूज़ कर सकते हो। इसलिए हम लिख रहे हैं ITC ऑफ CGST मस्ट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। अगर ये ITC ऑफ CGST फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो SGST का लाइबिलिटी ऑफ SGST का ITC ऑफ CGST अगर फुल्ली यूटिलाइज हुआ ही नहीं है तो ITC ऑफ SGST यूज नहीं कर सकते हो टू सेटअप द लाइबिलिटी अगेंस्ट आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ IGST। तो IGST लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट सबसे पहले IGST का ITC के साथ होगा। फिर भी अगर एडजस्टमेंट के बाद भी रिमेनिंग लाइबिलिटी पड़ा हुआ है और IGST का और ITC है ही नहीं तो आप क्या करोगे? CGST के साथ एडजस्ट करोगे। अगर CGST के साथ एडजस्ट होने के बाद भी पड़ा हुआ है IGST का लाइबिलिटी तो वो लाइबिलिटी SGST के साथ एडजस्ट होगा। बट अगर CGST में ITC पड़ा हुआ है, आपने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया IGST का लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो यू कैनॉट यूटिलाइज SGST। यहाँ तक बात क्लियर? अगेन कम इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद द इंटेंशन टू कंप्यूट द मिनिमम GST पेबल फ्रॉम कैश लेजर, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी First of all, you have to identify tax liability with respect to different taxes at the end of a particular tax period. With respect to different taxes ka matlab, with respect to CGST, with respect to SGST, UTGST, with respect to IGST. To alag alag tax ke respect mein kitna tax liability standing hai at the end of a particular tax period, wo aapko identify karna padega. Aap bologe sir, aisa identification humne kiya hai already. क्या आइडेंटिफिकेशन किया आपने? अब बताओगे सर CGST के रेस्पेक्ट में टैक्स लाइबिलिटी स्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड 72,000 एंड SGST के रेस्पेक्ट में भी टैक्स लाइबिलिटी स्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड 72,000 IGST के रेस्पेक्ट में टैक्स लाइबिलिटी स्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड 54,000 योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी यूटिलाइजेशन ऑफ ITC विद ऑल दिस टैक्स लाइबिलिटी और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आप जानते हो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई दी ITC ऑफ IGST IGST का ITC को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और IGST का ITC को वो सेम टैक्स पीरियड के लिए जो टैक्स पीरियड का बात हो रहा है वो सेम टैक्स पीरियड का एट द एंड में मतलब जो टैक्स पीरियड के लिए टैक्स लाइबिलिटी आपने आइडेंटिफाई किया था उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का एंड में IGST का ITC को आइडेंटिफाई करो और IGST का ITC को आप यूटिलाइज करो IGST लाइबिलिटी के साथ। फिर भी अगर IGST का कोई ITC रिमेनिंग रहता है वो ITC को आप यूटिलाइज करो SGST CGST कोई भी लाइबिलिटी के साथ इन एनी ऑर्डर एनी मैनर। बस समझ में आ रहे? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन का प्रोसेस में ITC का IGST एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड कितना स्टैंडिंग है। ऊपर की तरफ चलिए ITC का IGST स्टैंडिंग है 79,000 और IGST का लाइबिलिटी है 54,000 तो 79,000 में से 54,000 को हम यूटिलाइज करेंगे IGST लाइबिलिटी को सेटअप करने के लिए। 54,000 लाइबिलिटी है और अब मेरा पास ITC पड़ा हुआ है 79,000 आउट ऑफ 79,000 54,000 को उठाएंगे और इसको सेटअप करेंगे IGST लाइबिलिटी के साथ। फिर बताओ मुझे
आईजीएसटी का जो आईटीसी कितना बचता है, आईजीएसटी का रिमेनिंग आईटीसी कितना बचता है? आप बोलोगे सर 79,000 एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड आईटीसी स्टैंडिंग था, उसमें से आपने 54,000 आईटीसी को यूटिलाइज किया, मतलब 25,000 आईटीसी रिमेनिंग है। ये 25,000 आईटीसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो सीजीएसटी एसजीएसटी लायबिलिटी सेटअप करने के लिए इन एनी ऑर्डर एनी मैनर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 25,000 को यूटिलाइज किया एसजीएसटी लायबिलिटी को सेटअप करने में। एसजीएसटी का लायबिलिटी था 72,000, उसमें से 25,000 आईजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज किया, और इसलिए 72,000 से 25,000 अगर लेस करोगे एसजीएसटी का जो लायबिलिटी है, ये हमने आईटीसी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अभी एसजीएसटी का जो लायबिलिटी है, बताइए मुझे एसजीएसटी का लायबिलिटी कितना है? आप बोलोगे सर एसजीएसटी का लायबिलिटी है 72,000, उसमें से आपने 25,000 यूटिलाइज किया, आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज किया 25,000, तो रिमेनिंग कितना बचता है? 47,000 एसजीएसटी का लायबिलिटी रिमेनिंग रह गया, एंड दिस 47,000 लायबिलिटी शुड बी पेड ऑफ। बट आप इसको कैश के थ्रू पे तो नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एसजीएसटी का आईटीसी है एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड अवेलेबल। तो एसजीएसटी का आईटीसी एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड कितना अवेलेबल है? आप बोलोगे सर एसजीएसटी का आईटीसी 18,000 अवेलेबल है, तो 18,000 को आप यूटिलाइज करोगे एसजीएसटी का 18,000 आईटीसी को यूटिलाइज करोगे एसजीएसटी का लायबिलिटी पे ऑफ करने में। देखो एसजीएसटी का लायबिलिटी कितना है अभी 47,000, तो आउट ऑफ 47,000 मतलब स्टार्टिंग में लायबिलिटी था 72,000, आपने आईजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज किया 25,000, और इसलिए एसजीएसटी का लायबिलिटी खड़ा हो गया 47,000। बट पूरा 47,000 आप कैश के थ्रू पे नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास एसजीएसटी का आईटीसी एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड अवेलेबल है 18,000, वो 18,000 को आप एडजस्ट करोगे, और एडजस्ट करने के बाद आपके पास रिमेनिंग एसजीएसटी का लायबिलिटी बचता है 29,000। दिखाई दे रहे 29,000 आपके पास लायबिलिटी बचता है, ये लायबिलिटी आप कैश के थ्रू पे करोगे। देखो वही हमने लिखा है, तो अल्टीमेटली 29,000 कैश के थ्रू पे होगा। अभी चलो सीजीएसटी को समझ लेते हैं। सीजीएसटी का लायबिलिटी 72,000 है, सीजीएसटी का आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि आईजीएसटी का और कोई आईटीसी है नहीं कि आप सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे, क्योंकि आईजीएसटी का जो आईटीसी था रिमेनिंग आईजीएसटी का लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद वो एसजीएसटी का लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो गया, तो अभी आईजीएसटी का कुछ आईटीसी है ही नहीं, इसलिए सीजीएसटी का लायबिलिटी एडजस्ट करने के लिए आप सीजीएसटी का आईटीसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए सीजीएसटी का लायबिलिटी 72,000 है और सीजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है 75,000, तो आउट ऑफ 75,000 आप 72,000 को यूटिलाइज करोगे और 3,000 सीजीएसटी का आईटीसी फिर रिमेनिंग रह जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए। बात समझ में आ रहा है? और सीजीएसटी का लायबिलिटी जीरो हो जाएगा पर्टिकुलर दिस टैक्स पीरियड के लिए, जो टैक्स पीरियड का बात हम कर रहे हैं। तो देखिए नील हो गया लायबिलिटी, सीजीएसटी का लायबिलिटी नील हो गया, तो एक्चुअल में एसजीएसटी के लिए 29,000 पे करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे सर सीजीएसटी का लायबिलिटी तो सीजीएसटी का लायबिलिटी पूरा सेटअप हो गया, सीजीएसटी का आईटीसी तो 3,000 अभी भी रिमेनिंग है, उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो, उसको आप एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दो, क्योंकि एसजीएसटी 29,000 पे करना पड़ेगा, तो 3,000 एडजस्ट कर दोगे तो 26,000 पे करेंगे, पूरा 29 पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते ही हो कि सीजीएसटी का आईटीसी को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो एसजीएसटी का लायबिलिटी के साथ, बात क्लियर? एंड वाइस वर्सा एसजीएसटी का आईटीसी को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते सीजीएसटी लायबिलिटी पे ऑफ करने में। तो ये हो गया ये वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल का सॉल्यूशन, क्लियर?